चलिए इसी शुभ संदेश पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा से गीत धीर जी और वरिष्ठ पत्रकार अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी। भानु जी, शिव ने संदेश दिया है कि अगर शहर की तस्वीर बदलना है, शहर में अगर कुछ करना है तो खुद को प्रेरित होना पड़ेगा, खुद को संकल्प लेना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, ये संदेश नीचे तक भी तो जाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इस बात की तारीफ की जानी चाहिए कि प्रदेश के सर्वोच्च मुखिया ने, कार्यपालक मुखिया ने अन्ना हजारे के सोच को इस स्तर पर इंडोर्स किया, रेखांकित किया, और ये तारीफ की बात है कि अब समाज में जो पॉजिटिव विचार हैं, सकारात्मक, उनको सरकार स्वीकार भी कर रही है और अमल भी कर रही है, ये उम्मीद बन जाती है शिवराज जी के इस बात से। लेकिन सवाल ये है कि जैसा उन्होंने कहा कि एक आदमी भी बदल सकता है अपना जिला, हमने से कोई भी हो सकता है, वह ये बात खटकती है, क्योंकि एक अकेला आदमी कर तो सकता है लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं करेंगे, इस बात पर सवाल उठाया जाना चाहिए। खास तौर से प्रशासन के स्तर पर जो सहयोग नागरिकों को ऐसे कामों में मिलना चाहिए, वो लाल फीताशाही में और अफसरों के अहंकार में कई बार उलझकर अधूरा रह जाता है या जन्मने से पहले ही टूट जाता है, मर जाता है। तो शिवराज जी अगर ये कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ऐसा ही एक सार्वजनिक निर्देश अफसरों के लिए जारी कर दें कि जो ऐसा काम कर रहे हैं उनके साथ पूरी रियायत बरती जाए और उन्हें पूरा सहयोग दिया जाए। निश्चित है कि अगर सब लोग काम करेंगे तो बदल सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने खिलौना इकट्ठा करने का जो उदाहरण दिया, मैं कुछ कम सहमत हूँ इस बात से, इसलिए कि अभी हमारे यहाँ पानी, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना और रहने लायक स्थितियों की बड़ी किल्लत है। लोग कैसे जी रहे हैं वो जानते हैं। खिलौने से पहले खाना, पानी, रहने की जगह, इन बातों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए अगर मुख्यमंत्री ठेला लेके निकलेंगे तो शायद इससे बड़ा प्रतिसाद उनको मिलेगा। जी चलिए, मैं आपकी बात को और जरा पार्टी लेवल पर समझ लेता हूँ। गीत जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो हर मामले में पहल कर लेते हैं, चाहे बच्चों के भविष्य सुधारने की बात हो, चाहे गरीब के बीच जाकर बैठने की बात हो, लेकिन क्या यह जो प्रेरणा है ये बाकी लोगों को नहीं लेना चाहिए, उनसे सीख नहीं लेना चाहिए? देखिए, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज जी और वो एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। सबसे बड़ी बात तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की जो हमारा नारा है, जो हमारी बात है, उसको अंत्योदय के साथ में किस तरीके से जमीनी स्तर पर उतारा जाए, ये उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। निश्चित रूप से उन्होंने जो अन्ना जी का उदाहरण दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखें तो गांधी जी ने भी ग्राम स्वराज की बात करी थी। गांधी जी के उसी ग्राम स्वराज की बात को मोदी जी ने भी पूरा करते हुए, आपने सबने देखा है, चाहे हम बात करें स्वच्छ भारत अभियान की, उसी के तहत उन्होंने झाड़ू उठाया था, वैसे ही शिवराज जी ने भी एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए, जो आपने अभी खुद स्वयं ठेले पे सामान इकट्ठा करने वाली, बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठा करने वाली बात बोली कि जब एक इच्छा शक्ति व्यक्ति के अंदर जागेगी तो हम सब कुछ बदल सकते हैं। लेकिन वही तो बात, मैं वही बात कह रहा हूँ कि क्या बाकी मंत्रियों को नहीं करना चाहिए सब? मैं यही बता रहा हूँ, जब हमारे मुखिया ही कर रहे हैं, हमारे तो सारे मंत्री ही कर रहे हैं, हमारे प्रधान सेवक जो है माननीय देश